खंदौली सेमरा गांव के 16 लोगों की मौत पर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के साथ सपा नेता ने गांव पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो सहायता राशि दी है वह कम है, सहायता राशि बढ़ाकर देनी चाहिए। सपा मुखिया से बात कर पार्टी की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। हाथरस क्षेत्र में सेमरा गांव के 16 लोगों की मौत के बाद विभिन्न दलों के नेताओं ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के साथ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने सेमरा गांव पहुंचकर ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। देखिए, इससे बड़ी हमने तो अपने लाइफ में कोई इतनी बड़ी घटना नहीं सुनी। एक ही परिवार के इतने लोग एक साथ खत्म होना, जी मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से दुख प्रकट करने के लिए हम लोग आए हैं, मिट्टी देने के लिए आए हैं और परिवार ऊपर वाला इनके परिवार को सब्र दे, इस गम की घड़ी में इनको इस दुख को सहन करने की ताकत दे। अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, एक्सीडेंट के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई है और मैं समझता हूँ जो उस कुकृत्य के लिए जिम्मेदार इनके खिलाफ निश्चित से कार्रवाई होगी। पूरा सेमरा वीरान हो गया, दो लोग आंवलखेड़ा के भी थे जिनकी जाने गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। राज्य सरकार, भारत सरकार ने जो इमदाद, जो मदद मृतक परिवारों के लिए घोषणा की है, मैं समझता हूँ नाकाफ़ी है। हम जरूर चाहेंगे कि ये गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनको अधिक से अधिक मदद राज्य सरकार और प्रदेश सरकार दें, राज्य सरकार भारत सरकार दे। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का कहना है कि भाजपा सरकार की तरफ से मृतक और घायलों को दी गई सहायता राशि कम है, सरकार को सहायता राशि बढ़ानी चाहिए। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी अवगत करा दिया है, समाजवादी पार्टी भी पीड़ित परिवारों की मदद करेगी। तो ये है कि ये इतना बड़ा हादसा है, दर्दनाक घटना है, जो कि ये पीड़ित परिवार को कम से कम मैं राज्य सरकार से, भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे ये मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पीड़ित परिवारों को, जिनके पूरे परिवार का परिवार ही चला गया, इनको ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार, राज्य सरकार मदद दे। और इस घटना का विस्तृत तरीके से मैंने जानकारी एज ए जिलाध्यक्ष के नाते से मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दे दी है। कल हमारे आगरा शहर में जिस तरह की घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आहत हैं और ऊपर वाले से कामना करते हैं जो पीड़ित परिवार हैं जिनके घर में इस तरह का हादसा हुआ है उनको संभल दे और इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात की है और इस परिवार की जो भी आर्थिक मदद आगे चल के हो सकेगी हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही वर्तमान सरकार से भी अनुरोध करते हैं जो उन्होंने इनकी आर्थिक मदद की है उसका उसको बढ़ा सकें तो बड़ी कृपा होगी। खंदौली के सेमरा गांव के 16 लोगों की मौत पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुखद घटना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को सेमरा गांव के हालातों से अवगत करा दिया है। अखिलेश यादव के आदेश पर मृतकों और घायलों की सूची तैयार कर मदद की जाएगी। रोडवेज बस की लापरवाही से इतने लोगों की जान चली गई है और साथ ही चालक पर भी कार्यवाही की जाएगी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।